शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो शाम का टाइम हो गया और मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो सबसे पहले मैं इसको सेट कर देती हूँ। मैंने जो गैस को साफ किया था तो इसको सूखने के लिए रख दिया था। तो पहले मैं सेट करती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। साथ में मैं थोड़ा सा स्नैक की भी तैयारी कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो ये ब्लॉग है संडे इवनिंग का और आई होप आप सबने इस वीकेंड बहुत मजे किए होंगे। होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ और उसके साथ छोटा मोटा सा स्नैक्स बनाती हूँ। और दिन भर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आज संडे था तो फुल रेस्ट डे था। और अभी मैं सो के उठी हूँ तो बच्चों की फरमाइश है कोई स्नैक्स बनाने की, तो चलिए बनाते हैं। चाय में थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर और टी मसाला ऐड करके एक तरफ में चाय उबलने के लिए चढ़ा दूंगी और एक तरफ तेल गर्म हो रहा है। और जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं एक आटा लगा लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ खस्ता पापड़ी, जिसे निमकी भी कहते हैं, और इसे एज ए स्नैक भी खा सकते हैं और किसी भी तरह के चाट में भी यूज किया जा सकता है। भेलपुरी में, भल्ला पापड़ी में, किसी भी तरह के चाट में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा ले लिया है, उसमें 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून अजवाइन और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर दिया। फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर एक आटा तैयार कर लेना है। और आटा लगाने के बाद फिर आटा को ढक के साइड में आधे घंटे के लिए रख देना है। मैंने रेस्ट करने के लिए नहीं रखा था क्योंकि मुझे अभी ही बनाना था। और इस तरह से बिल्कुल पतला पूरी बेल के ये ट्रायंगल का शेप देना है और जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलना है इसको। साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। और इसी तरह से सारे पापड़ी को बेल के तैयार कर लेना है और पापड़ी में कट लगाना है। आप चाहे तो फोक से लगाएं या नाइफ से लगाएं, इससे पापड़ी खस्ता बनता है। और फिर सारे पापड़ी मैंने फ्राई कर लिए थे। बच्चों की बहुत दिन से फरमाइश हो रही है चाट खाने की, तो कल मुझे चाट बनाना है तो मैंने सोचा आज पापड़ी फ्राई कर लेती हूँ। तो इससे एक पंथ दो काम हो जाएगा, पापड़ी भी तैयार हो जाएगा और अभी शाम के चाय के साथ बच्चे स्नैक भी ले लेंगे। तो जी, पापड़ी तैयार हो गई और चाय भी डन है। तो अब मैं प्लेट लगा लेती हूँ। ये निमकी दिनेश जी को बहुत पसंद है लेकिन अब ज्यादा बनाना नहीं होता है क्योंकि कोई भी फ्राइड चीज ज्यादा हेल्दी तो होता नहीं है। तो अब मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, पहले मैं बहुत बनाती थी। और बच्चों के चाय में थोड़ा सा जैगरी पाउडर ऐड कर देती हूँ, हम लोग फीकी पियेंगे। मेरे घर बच्चे एक टाइम सुबह या शाम चाय ले लेते हैं क्योंकि मैं मसाला टी बनाती हूँ और उसमें लॉट्स ऑफ जिंजर होते हैं, तो बहुत ही हेल्दी चाय है ये। अभी मैं और दिनेश जी वॉक पे आए हैं। वॉक से हम लोग आ गए हैं और दिनेश जी के लिए मैं चाय बना रही हूँ। दिनेश जी को चाय दे दूंगी फिर डिनर बनाऊंगी। और ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने अपने काम में मस्त हैं। थोड़ी देर में डिनर करेंगे। चुन्नू सांभवी, दिनेश जी डिनर से पहले का फ्री टाइम एंजॉय कर रहे हैं। आज का डिनर बिल्कुल सिंपल सा है, चपाती, छेना और आलू गोभी की सब्जी। ये सब्जी बहुत झटपट से बनने वाली सब्जी है, बहुत इजी और झटपट से बनने वाली। फ्रेंड्स, किसी और दिन आप सबसे जरूर शेयर करूंगी।
और बाहर इतनी तेज धूप, इतनी तेज धूप, बापरे आज इतनी गर्मी है। अभी 8:30 हो रहे हैं और देखिए कितनी तेज धूप हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मंडे मॉर्निंग। कल डिनर के बाद से मैंने कोई शूटिंग नहीं की थी और आज की शुरुआत तकरीबन 8:30 से हो रही है। आपने देखा बाहर कितनी तेज धूप है, आज बहुत गर्मी है और आज मेरा बहुत ही बिजी दिन होने वाला है, क्योंकि संभवी का आज पेपर है, सरस्वती का भी मॉक टेस्ट है और दिनेश जी भी ऑफिस जाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने सुबह उठ के घर का काम निपटा लिए हैं, कुछ नाश्ते की तैयारी मैंने कर ली है और अभी अब मैं जाके पहले नाश्ता बनाऊंगी, उसके बाद घर के सारे काम निपटाऊंगी। जैसे जैसे जो काम करूंगी आप सबसे शेयर करती जाऊंगी। तो अभी चलते हैं किचन और बनाती हूँ मैं एक मज़ेदार सा यम्मी सा नाश्ता। तो आज के नाश्ते में है अंडा घुगनी और उसके साथ मैंने वाटरमेलन का जूस निकाला है। और मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स, प्लीज आप सब इसको स्किप मत करना देखना, क्योंकि ये एक चाट ही है, मटर की चाट, जिसको हमने अंडा से गार्निश किया है। आप चाहें तो इसको ऐसा ही खा सकते हैं या पनीर के साथ गार्निश कर सकते हैं। और मैंने इसकी रेसिपी आप सबसे शेयर नहीं की है क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप सबको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर शेयर करूंगी। मटर और आलू को मैंने नमक हल्दी के साथ बॉईल कर लिया था, पीला वाला मटर जो हम लोग कुलछा में यूज करते हैं। फिर मैंने उसके ऊपर इमली का पानी ऐड कर दिया है। इमली के पानी में कुछ भी एडेड नहीं है, बस वो इमली का एक पतला सा झोल है। फिर मैंने उसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर दिया और फिर इसके ऊपर मैंने एक मसाला स्प्रिंकल किया है जो होममेड है। अगर आप सबको चाहिए तो मैं जरूर आप सबसे शेयर करूंगी, आप सब कमेंट में बताना। इसे चटपटी मसाला कहते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। इसे आप दही भल्ला या सलाद के ऊपर भी ऐड करके खा सकते हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर खस्ता पापड़ी जो कल मैंने तैयार किया था उसको ऐड कर दिया और फिर इसके ऊपर मैंने बॉइल्ड एग ऐड किया। और अंडा ऐड करने के बाद बॉइल्ड एग को मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए थे। थोड़ा सा फिर से मैंने चटपटी मसाला ऐड कर दिया और एक मजेदार सा यम्मी सा ये चाट तैयार है। और इस चाट को अंडा घुगनी बोलते हैं या आप चटपटी भी बोल सकते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया और अब मैं करने लगी हूँ डस्टिंग। तो वैसे तो डीप क्लीनिंग मैं रोज नहीं करती हूँ, डस्टिंग तो रोज होता है लेकिन ऊपर ऊपर। और इस तरह से डीप क्लीनिंग हर घर का वीक में मैं एक या दो बार कर लेती हूँ। मेरी सामग्री चिन्नू के साथ ये पिक है और हर दिन एक एक रूम बांट लेने से थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। और इस वास के पीछे ये देखिए मेरा चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ मोबाइल का चार्जर हमेशा लगा रहता है। जब चार्ज करना होता है तो निकाल के चार्ज कर लेती हूँ, नहीं तो वास के पीछे छुपा देते हैं। आजकल तो सारा काम मोबाइल से ही होता है तो मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट्स भी ज्यादा चाहिए। और ये दिनेश जी मैगजीन पढ़ के यही छोड़ गए हैं। बच्चों का हाल देखिए, यहाँ पर टीवी देख के यही परिमोड रखे हुए हैं। सुबह सुबह सब कुछ को ठीक करना होता है, बहुत काम होता है सुबह। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आराम से नहा धो के फिर चेंज करके घर के सारे सफाई करती हूँ और फिर वापस नहा लेती हूँ, फिर मैं लंच बनाऊंगी। यही रोज का मेरा रूटीन है। आज लंच में बन रहा है थाई प्लेटर, पॉकचुआई बैगन और थाई रेड करी विथ स्टीम्ड राइस। तो थोड़ी सी मैंने पॉकचुआई बैगन की तैयारी कर रखी है। तो मैंने
ये देखिए पॉकचॉई का स्टेम पार्ट अच्छी तरह से वॉश करके अलग से कट कर लिया है और लीफ पार्ट अलग से। इसके साथ मैंने एक बैंगन, हाफ लाल शिमला मिर्च, हाफ येलो शिमला मिर्च, 5 से 6 ग्रेटेड लहसुन, 1 इंच अदरक ग्रेटेड, 3 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ ले लिया है। पहले मैं पैन में तेल ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है और फिर इसमें ग्रेटेड लहसुन ऐड कर देना है और लहसुन ऐड करने के बाद एक बार इसे सौटे करना है। फिर मैं इसमें जिंजर और ग्रीन चिली भी ऐड कर दूंगी। जिंजर ग्रीन चिली को 1 मिनट तक सौटे करने के बाद फिर मैंने 5 से 6 सूखी लाल मिर्च ऐड कर दिए थे और सूखी लाल मिर्च ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें पॉकचॉय का स्टेम ऐड कर दिया। स्टेम ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक सौटे करना है। और पिछले हफ्ते ही मैंने थाई ग्रीन करी आप सबसे शेयर की थी। एक्चुअली हमारे यहाँ थाई करी में जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आसानी से नहीं मिलती है, तो जब भी मैं मंगाती हूँ तो थोड़ा ज्यादा मंगा लेती हूँ, तो ग्रीन करी रेड करी मैं 1 वीक के अंदर बना लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में थाई रेसिपीज बच्चों को बहुत पसंद है। और थाई डिश महीने में 2 टाइम्स मेरे घर में बन ही जाते हैं। तो मैंने स्टेम ऐड करने के बाद फिर लाल पीली शिमला मिर्च और बैंगन भी ऐड कर दिए और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया। फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको ढक के बैंगन के हाफ डन होने तक पका लिया। और जब बैंगन हाफ डन हो गया फिर मैंने इसमें 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो ऐड कर दिया। अजीनोमोटो बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इस सब्जी में बहुत ही यूनिक फ्लेवर इसका आता है तो हम लोग कभी कभार डाल देते हैं। फिर मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दिया और थोड़ी देर इसको फिर से सौटे कर दिया। और जब सब्जी अच्छी तरह से पक गया तो लास्ट में मैंने पॉकचॉय लीव्स ऐड कर दिए। लीव्स को ऐड करने के बाद फिर से ढक के लीव के अच्छी तरह से पकने तक इसको पका लेना है। पॉकचॉय लीव्स जब अच्छी तरह से पक जाए तो सब्जी का पानी तेज आंच पे ड्राई कर लेना है और लास्ट में सब्जी को रोस्टेड सिसमे सीव से गार्निश करना है। डिटेल रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पॉकचॉय बैगन डन है और चावल भी उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिया है और आज मैंने गोविंदो भोग राइस बनाया है। वैसे तो थाई डिश के साथ जास्मिन राइस ही जाता है लेकिन आजकल मेरे एरिया में डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग गोविंदो भोग राइस से काम चला लेते हैं। उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस राइस में भी खुशबू होता है। और सुबह कितनी गर्मी थी आप सबसे मैंने शेयर किया था और देखो अभी कितनी तेज बारिश हो रही है। चलो अच्छा है, थोड़ा मौसम अच्छा हो गया। पैन में मैंने ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें रेड करी पेस्ट ऐड करूंगी और रेड करी पेस्ट कैसे बनाते हैं मैंने अपने चैनल पर दी हुई है और आप सबसे ब्लॉग पे भी शेयर किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पेस्ट ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर सौटे कर लिया था और फिर मैं इसमें सब्जियां ऐड करूंगी। मैं यहाँ पर जुकीनी, गोभी, येलो जुकीनी, ग्रीन जुकीनी, लाल पीली शिमला मिर्च, थोड़ा सा मैंने रेड पम्पकिन भी ऐड कर दिया है। अपने पसंद का कोई भी सब्जी इसमें ऐड किया जा सकता है। मैं ब्रोकली भी ऐड करती हूँ लेकिन आज मेरे पास नहीं था, मेरे पास जो भी सब्जी था वो मैंने ऐड कर दिया है। और सब्जी को थोड़ी देर गलने तक पका लूंगी और फिर लास्ट में मैंने इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर दिया था, थोड़े से वेजी लीव्स भी मैंने ऐड कर दिए थे। तो रेड करी डन है और रेड करी की रेसिपी अगर आप सबको चाहिए तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज के लंच की थाली मेरी तैयार हो गई, थाई रेड करी विथ गोविंदो भोग राइस और पॉकचॉय बैगन। फ्रेंड्स आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। सच में ना ये भी बहुत अच्छा है और ये पॉकचॉय बैगन बहुत औसम बना है। नहीं पॉकचॉय बैगन बहुत ज्यादा टेस्टी बना, रेड करी आज भी बहुत अच्छा बना, रेड करी आप बहुत औसम बनाते हैं, पॉकचॉय बैगन बहुत ज्यादा ही। फ्रेंड्स ये पॉकचॉय बैगन जो है ना एक बार आप सब ट्राई करके देखना जरूर, बहुत ही औसम बनता है।
और जो बच्चे बैंगन खाना पसंद नहीं करते हैं जरूर खाने लगेंगे, है ना? हाँ। और थायराइड करी की रेसिपी मैंने अपने पिछले ब्लॉग में शेयर की हुई है और मैं लिंक भी दे दूंगी। तो रेड करी भी बहुत टेस्टी है और एक अच्छा सा थाई प्लेटर आप तैयार कर सकते हैं। सुपर बना मम्मा। हाँ, बहुत डिलीशियस। सच में बहुत अच्छा बना। हाँ, पॉक्चर में बहुत अच्छा बनता है। हाँ, बहुत यमी डिश है। लेकिन यही है जो मिलता नहीं है, आसानी से मिलता नहीं हम लोगों को। अब उसको वेजीज नहीं पसंद होंगे उसको भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो है। हाँ। नहीं मतलब बैगन, ये पक्षा बैगन ले लो, राइस ले लो, अपने आप में परफेक्ट मिले। तो ये देसी स्टाइल हम लोगों का स्वीट डिश है, पोहा दूध और आम। लेकिन लगता बहुत औसम है, और दूध के बदले में अगर पोहा पे थोड़ा सा मलाई दे दो तो बस बात कहने ही क्या। बेस्ट कॉम्बो, बेस्ट कॉम्बो। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये देसी स्टाइल डेजर्ट का मजा ले रहे हैं। और अगर आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।